रेगिस्तान में जैसे सरफिरा दोस्तों पानी ढूंढता फिरता है, ठीक वैसे ही पिछले 3 दिन से ऑप्शन बायर मोमेंटम ढूंढता फिर रहा है। लेकिन भाई मार्केट को कहाँ सुनना है, एक ही रेंज में फंसा हुआ है। और जो लोग मेरे फ्री वाले टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं, ज्वाइन टेलीग्राम बोल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ दोस्तों, उस लिंक को क्लिक करके अभी कभी ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि मेरे भाई जब रेंज टूटेगा, और जब भी लाइव मार्केट में रेंज टूटता है तब तब मैं लेवल देता हूँ। जैसे उस दिन 26,227 के ऊपर को बाय करने के लिए कहा था, सेंसेक्स को मैंने 79,681 के ऊपर दोस्तों बाय करने को कहा था, और जैसे ही सेंसेक्स टूटा 169 पॉइंट का मोमेंटम, जैसे ही निफ्टी टूटा 80 पॉइंट का मोमेंटम दिया है। तो जाके फ्री वाले ग्रुप पे अभी कभी ज्वाइन कर लीजिए, ज्वाइन टेलीग्राम बोल के जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हो। कल के दिन मेरे भाई बैंक निफ्टी का बैंकर एक्सपायरी है, और बहुत हो गया साइडवेज, अब रेंज टूटने का टाइम आ चुका है। और जो भी आपने कॉल पुट लिया है दोस्तों, पहले तो कमेंट कर लीजिए, मैं डेफिनेटली रिप्लाई देने वाला हूं। और आप बोलोगे ये वीडियो अगर ओनली एंड ओनली बैंक निफ्टी एक्सपायरी स्पेशल डेडिकेटेड है तो बाकी का वीडियो भी हमें चाहिए। मेरे भाई मेरे दोस्त, इसीलिए मैं कहता हूं प्लीज सब्सक्राइब कीजिए यार। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज सपोर्ट दिखाइए, क्योंकि डेली मैं 2 वीडियो डालता हूं। जैसे कल के दिन फिन निफ्टी और निफ्टी बैंक निफ्टी का डाल दिया था, तो मेरे भाई सेकेंड वीडियो पे निफ्टी फिन निफ्टी और मिड कैप का तो एनालिसिस करेंगे ही करेंगे। इसीलिए सब्सक्राइब के बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। लेकिन ये वीडियो ओनली एंड ओनली बैंक निफ्टी एक्सपायरी स्पेशल वीडियो है, और ये वीडियो का लाइक मैं ज्यादा नहीं दूंगा। 150 लाइक, 150 लाइक का टारगेट दोस्तों आप सबके हाथ में है, और मुझे पता है आप सबके लिए एक चुटकी भरा काम है, इजीली कर लेंगे। कल तो लाइक का टारगेट जो दिया था ना, सैल्यूट करता हूं आप लोगों को, उसको तोड़ा फेंक दिया सीधा। जितना मैं एक्सपेक्टेशन करता हूं उससे 2 गुना आप लोग मुझे प्यार देते हैं, उसके लिए जेन्युइनली मैं थैंकफुल करता हूं आपको। सो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला प्लान नंबर 1 मेरे भाई, अगर कल के दिन, देखिए कल एक्सपायरी है और पिछले 3 दिन से साइडवेज है, कल बहुत ज्यादा मुझे कहीं ना कहीं गट फीलिंग आ रहा है कि ट्रेंडिंग मोमेंटम हो सकता है अगर रेंज टूटा तो। प्लान नंबर ए, अगर मार्केट कल के दिन फ्लैट टू लिटिल गैप अप खुला, इसी जोन पे आपको साइडवेज होता हुआ दिखा, एंड देन दोस्तों 52,723 के ऊपर प्रॉपर प्राइस एक्शन दिखने लग गया, तो कॉल के तरफ दोस्तों जाएंगे, टारगेट बड़ा रहेगा मेरे भाई। इतना साइडवेज मार्केट है तो अगर जिस तरफ भी कल के दिन रेंज टूटता है ना, थोड़ा बड़ा टारगेट के लिए आप वेट कर सकते हैं, क्योंकि मोमेंटम नहीं दिया है। अगर आपको 2-3 दिन तड़पाया है तो जब मोमेंटम देगा तब पैसा बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं नहीं ले पाते, तो ओवरऑल कहीं ना कहीं दिक्कत आता है। तो कल अगर आप बड़ा टारगेट के लिए जाना चाहते हैं तो 52,723 ब्रेकआउट किया तो 300 पॉइंट 53,083, 300 से 400 पॉइंट का टारगेट तक जा सकते हैं दोस्तों ट्रेल करके। इसके पीछे मैं आपको रीजन भी बता देता हूं, बड़ा टारगेट के लिए क्यों जाना है वो भी रीजन बताऊंगा। पहला रीजन, 52,723 का लेवल मैंने क्यों दिया, सबसे पहला रीजन है दोस्तों ट्रेंड लाइन। अगर आप देखोगे क्लियर कट दोस्तों, एक बार ट्रेंड लाइन को टच किया, डाउनफॉल का मोमेंटम दिया, दूसरी बार अगर आप देखोगे डॉट टच किया दोस्तों, डाउनफॉल का मोमेंटम दिया, प्रॉपर ये रेड कलर का ट्रेंड लाइन काम दे रहा है। तो कल के दिन पहला काम यही करेगा मार्केट, अगर इस जोन पे खुलेगा और साइडवेज हो गई ये ट्रेंड लाइन को यहां पे ब्रेकआउट करता हुआ दिखा, तो वैसे भी दोस्तों ट्रेंड आपको शिफ्ट होता हुआ दिखेगा। और 52,723 जो है, 52,723 का लेवल, वो इसके पीछे क्या रीजन है, देखिए जैसे ही ट्रेंड लाइन टूटेगा उसके साथ साथ 52,723 का जो लेवल है वो भी एक प्रॉपर रेजिस्टेंस है। पहली बार रेजिस्टेंस बनाया, डाउनफॉल का मोमेंट दिया, दूसरी बार रेजिस्टेंस टच किया, डाउनफॉल का मोमेंट दिया, और इसी जोन के अंदर ही घूमता फिर रहा है। ऑलरेडी ये रेजिस्टेंस 2 बार टेस्ट हो चुका है, तो कल अगर ब्रेकआउट करके निकलेगा तो प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि ये ऊपर की तरफ निकल ही जाएगा। और सबसे बड़ा रीजन है क्यों मैंने इतना बड़ा टारगेट दिया, क्योंकि 52,723 के लेवल के ऊपर दोस्तों अगर आप देखोगे गैप ही गैप है, पूरे खाली मैदान है मार्केट को भागने के लिए ऊपर, कोई रेजिस्टेंस नहीं है ऊपर के लेवल पे। क्योंकि 52,723 जब टूटा आप देख सकते हैं दोस्तों, उस दिन मार्केट कहीं ना कहीं लाइक जो क्लोज दिया था उसके अगले दिन इतना बड़ा गैप डाउन खुला, और वो गैप अभी तक फील नहीं हुआ है। तो कल अगर इसको ब्रेकआउट करके जाता है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये गैप फील होता हुआ आपको दिखेगा और बड़ा टारगेट के लिए जा सकते हैं दोस्तों। क्लियर हो गया,
पहला रीजन दोस्तों। और दूसरा रीजन अगर मैं बताऊं, यानी कि प्लान नंबर बी पे जाते हैं यार, सेलिंग के साइड। कल के दिन मार्केट अगर कहीं ना कहीं गैप डाउन खुला और इसी जोन पे ही थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, थोड़ा साइडवेज हुआ, एंड देन 52,290 के नीचे हम पुट के तरफ जाएंगे। इसके पीछे सिंपल रीजन है, आप क्लियरली देख सकते हैं दोस्तों, ये एक सपोर्ट लेवल है और ये डबल बॉटम नहीं ट्रिपल बॉटम बन चुका है। कल के दिन भी हम इसी लेवल के बारे में डिस्कस किए थे, मैंने कहा था कि देखिए दोस्तों 52,290 जो है वो पहली बार यहां पे सपोर्ट क्रिएट किया, यहां से ऊपर की तरफ मूवमेंट किया, दूसरी बार यहां पे सपोर्ट क्रिएट किया, यहां से ऊपर की तरफ मूवमेंट किया, और कल हमने डिस्कस किया था कि ये एक डबल बॉटम है, इसके नीचे जाएगा तो हम पुट बाय करेंगे। लेकिन आज के दिन अगर आप देखोगे दोस्तों, मार्केट खुला, दिन का पहला कैंडल ही डॉट यहां पे सपोर्ट लिया, उसके पूरे दिन साइडवेज हो गया, आप क्लियरली देख सकते हैं। तो ट्रिपल बॉटम, तीन बार एक ही सपोर्ट को टेस्ट कर चुका है मार्केट 52,290। तो रेंज अगर 52,290 के नीचे आता है तो ही दोस्तों हम पुट के तरफ जा सकते हैं। ये क्लियर हो गया दोस्तों प्लान ए और प्लान बी। और अगर मैं आपको सिंपली प्लान बताऊं, कल अगर इस रेंज के अंदर आपको मार्केट दिखा, इसी रेंज के अंदर आपको मार्केट दिखा, तो ट्रेड ना करें तो अच्छा है। अगर कल मार्केट इस यहां पे ही खुला और ऊपर नीचे होता रहा तो मुझे लगता है अगेन टाइम पास करेगा, लेकिन रेंज जिस तरफ भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होगा तो बड़े मोमेंट देखने को मिल सकता है। खास करके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा तो हो सकता है, क्योंकि दोस्तों अगर आप देखोगे प्रॉपर गैप है तो ये गैप फील करने के लिए इजीली मार्केट जा सकते हैं, क्योंकि मार्केट के लिए, मार्केट को कहीं ना कहीं ट्रैवल करने के लिए स्पेस चाहिए दोस्तों। देखिए सिंपल बात है, यहां पे एक बॉर्डर है, यहां पे एक बॉर्डर है, मार्केट अगर बॉर्डर के बाहर निकलेगा तो ही तो भाई भागेगा। अगर कल के दिन भी मार्केट यहां पे खुला ऐसे 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 करता रहा, अब बॉर्डर के ऊपर या फिर नीचे गया ही नहीं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगेन एक ऑप्शन सेलर का कहीं ना कहीं डे रहने वाला है। जितने भी लोग कॉल या फिर पुट सेल करके बैठे हैं, स्ट्रेंगल या फिर स्ट्रेडल बना के बैठे हैं, उनको कल के दिन भी फायदा मिलेगा और कल भी वो वही अपॉर्चुनिटी को ट्राई करेंगे। मार्केट खुलते ही दोस्तों स्ट्रेंगल वाले 52,700 या फिर 52,800 एंड देन 52,300 का कॉल, लाइक कॉल और नीचे का पुट बेच देंगे, और स्ट्रेडल वाले तो पता है 52,500 का कॉल पुट दोनों बेच के बैठ जाएंगे और इसके अंदर घूमता फिरा तो उनको प्रॉफिट मिलेगा। जैसे ही दोस्तों रेंज ब्रेकआउट होगा कॉल राइटर फंसेंगे, जैसे ही रेंज ब्रेकडाउन होगा जो पुट सेलर है ऑप्शन सेलर वो फंसेंगे और दोस्तों कहीं ना कहीं मार्केट मूवमेंट करेगा। क्लियर हो गया। प्लान सी की तरफ अगर मैं बताऊं दोस्तों, मैं कल भी कहा था अगर कल मार्केट बड़ा गैप अप होता है तो सेलिंग के अलावा और कोई प्लान नहीं रहने वाला। सिंपल है, अगर कल मार्केट बड़ा गैप अप खुलता है तो जितने भी लोग कॉल खरीद के गए होंगे डेफिनेटली बड़ा गैप अप खुलने पर उनको प्रॉफिट दिखेगा, वो अपने बाय पोजिशन एग्जिट कर देंगे, मार्केट नीचे की तरफ आएगा। सो बिग गैप अप ओपनिंग हुआ तो सिंपल दोस्तों, जो भी पहला 5 मिनट कैंडल बनेगा 9:15 से 9:20 तक, उसका अगर आपको लो टूटता हुआ दिखा मेरे भाई पुट के तरफ जाएंगे। अगर आपको प्रॉपर लोअर लो फॉर्मेशन दिखा तो भी पुट के तरफ जाएंगे। अगर मार्केट बड़ा गैप अप खुला एंड देन एम पैटर्न क्रिएट किया तब भी दोस्तों पुट के तरफ जाएंगे, या फिर बड़ा गैप अप खुल के साइडवेज होके रेंज ब्रेकआउट करता है तो भी पुट के तरफ जाएंगे। ओनली पुट के तरफ व्यू तब बनेगा जब बड़ा गैप अप खुलेगा, बेझिझक पुट के तरफ जा सकते हैं अगर स्ट्रक्चर बना तो। और दोस्तों प्लान नंबर डी में हमेशा से कहता हूं, अगर कल के दिन मार्केट बड़ा गैप डाउन खुला तो नो डाउट दोस्तों बाइंग के तरफ जाना है, डब्ल्यू पैटर्न बनते ही और कहीं ना कहीं हायर हाई बनते हैं। इसके पीछे रीजन सिंपल है, बड़ा अगर आप गैप डाउन खुला आप देख सकते हैं दोस्तों प्रॉपर कहीं ना कहीं सपोर्ट पे है, कहीं ना कहीं सपोर्ट पे खुलेगा मार्केट तो ये सपोर्ट फिर कहीं ना कहीं यहां पे अगर आप देखोगे मार्केट और नीचे नहीं जा पाएगा, सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर उठ जाएगा। तो गैप डाउन अगर खुला तो बाइंग के तरफ ही जाना है। 52,500 के आसपास दोस्तों क्लोज दिया है बैंक निफ्टी, अब आ चुके हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे। ये हमारे कॉल राइटर, ये हमारे पुट राइटर 52,500 के आसपास क्लोज दिया है और यही कल के दिन डिसाइड करने वाला है। 52,500 पे 13,36,000 से ज्यादा कॉल राइटर, 52,600 पे 13,96,000 से ज्यादा कॉल राइटर, लेकिन 52,700, 800, 900, इवन 53,000 पे कहीं पे भी मजबूत कॉल राइटर नहीं दिख रहे हैं। ओनली 6,00,00, 5,00,00,00, 4,00,00,00, 8,00,00, यानी कि दोस्तों दो इंपोर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है 52,500 और 52,600, 13,13,00,00 से ज्यादा कॉल राइटर बैठे हैं। सो एबव 52,600 हम बाइंग की तरफ जाएंगे, क्योंकि आगे का सफर इजी रहने वाला है। फिर नीचे की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो
52,500 पे अच्छा खासा पुट राइटर है। मैंने कहा ना, मतलब जो स्ट्रेडल बना के बैठे हैं, बोथ कॉल एंड पुट सेल करके बैठे हैं दोस्तों, सेम एट द मनी का 52,500 का। और 52,500 पे ही अगर आप देखोगे, कॉल राइटर 13 लाख हैं तो पुट राइटर भी 10 लाख हैं, ऑलमोस्ट इक्वल है दोस्तों, 2 से 3 लाख का फर्क है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम है। यानी कि 52,500 पिछले 2-3 दिन से स्ट्रेडल जो लोग सेल करते हैं दोस्तों, उनके लिए बहुत इजी होगा। 52,500 स्ट्राइक प्राइस को आराम से सेल कर दो एट द मनी का कॉल पुट, आराम से मस्त बैठे रहो, दिन के एंड में प्रॉफिट लेके जाओ, प्रीमियम बस खाओ। तो 52,500 बिलो आपको धीरे धीरे कहीं ना कहीं पुट के तरफ जाता हुआ दिखेगा, बट 52,400 या फिर 300 के पार कहीं ना कहीं आपको डायरेक्शनल मूव देखने को मिल सकते हैं। तो 52,500 जो एक राउंड लेवल है, वही कल कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा, मतलब इंपोर्टेंट लेवल रहने वाला है, एक डिसाइडिंग लेवल रहने वाला है। उसके ऊपर तो मार्केट बुलिश, उसके नीचे तो मार्केट बियरिश। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके फ्री वाले ग्रुप पे अभी कभी ज्वाइन कर लीजिए, अपने मम्मी पापा को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा प्यार कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं सेकंड वीडियो पे, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी यू।